अस्सलाम मैं इससे पहले क्लास 9 की चैप्टर नंबर जो है ना 2 सॉल्व कर चुका हूँ। 2 में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे मैंने सॉल्व कर लिए। अब चैप्टर नंबर 3 में 3.1 जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया गया, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। 3.2 से लाजमी बोर्ड में जो क्वेश्चन देते हैं तो अब मैं वो सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.2। तो नाउ और हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.2। इसके लिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.2। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इन तमाम में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी, जबकि आपके पास गिवन है ए प्लस बी एंड ए बी। ए प्लस बी की वैल्यू गिवन है आपके पास 9 और ए बी की वैल्यू गिवन है 20। वैल्यू निकालनी है हमने ए माइनस बी की। हम इसे दो डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं। एक के लिए हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला, एक फार्मूला है हमारे पास कि 4ab इक्वल होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है जो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इसे हम यहाँ ट्रांसफर कर दें और इसे हम वहां ट्रांसफर कर दें। ये हो जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। इसे यहाँ ले आए, माइनस था प्लस हो गया और इसे वहां मैंने ट्रांसफर कर दिया, प्लस था माइनस हो गया। वैल्यू पुट कर दें, ए प्लस बी की वैल्यू गिवन है आपके पास 9 और ए बी की वैल्यू गिवन है 20। 4 तो अपनी जगह पे, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 81 में से 80 निकालेंगे, 1 बच जाएगा। ए माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई, हमारे पास वैल्यू आ गई ए माइनस बी होल स्क्वायर। हमें सिर्फ ए माइनस बी की वैल्यू चाहिए। इस स्क्वायर को हटाएंगे, राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो राइट हैंड साइड का जो भी वैल्यू है उसे हम रूट में लिख देंगे और अगर कैलकुलेटर की मदद से 1 का रूट निकालेंगे तो कैलकुलेटर 1 देगा, ये आंसर होगा सही। मैट्रिक में जितने भी फार्मूले आपके पास सारे के सारे वैलिड है 9th और मैट्रिक में, रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों के लिए। मैंने लिखा हुआ है ए प्लस बी इस फार्मूले को कि ये 4ab इक्वल होता है किसके, ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। हम चेक कर लेते हैं इक्वल होता भी है या नहीं। ए प्लस बी को ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा, ये भी फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी को ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस माइनस साइन को ऑपरेट कर दें तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ये माइनस का ए स्क्वायर है, ये प्लस का ए स्क्वायर है, ये माइनस प्लस का बी स्क्वायर है, ये माइनस का बी स्क्वायर है, ये बच गया 2ab प्लस 2ab। इन दोनों को ऐड करेंगे आ जाएगा 4ab। आगे हमारे पास ये तो लिखा हुआ है कि 4ab इक्वल है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर टू हम करेंगे, उसमें लिखा हुआ है अगेन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी। यही कह रहा वैल्यू फाइंड करने के लिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी और गिवन है हमारे पास ए प्लस बी इक्वल टू ना ए प्लस बी इक्वल टू 5 और ए बी इक्वल टू माइनस 6। जब भी हमारे पास इस कंडीशन में वैल्यू देगा कि ए माइनस बी कैलकुलेट करना हो, ए प्लस बी और ए बी की वैल्यू दे दे, या ए प्लस बी कैलकुलेट करना हो ए माइनस बी और ए बी की वैल्यू दे दे, तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। लिखेंगे हम वी नो डैट फोर ए बी इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इसे यहाँ लेफ्ट पर ट्रांसफर कर दें, ए माइनस बी होल स्क्वायर पॉजिटिव हो गया और ए प्लस बी होल स्क्वायर अपनी जगह पर है, ये प्लस 4ab है वहां ट्रांसफर करेंगे, माइनस का 4ab हो जाएगा। ए प्लस बी की वैल्यू गिवन है 5, 4 एज इट इज, ए बी की वैल्यू गिवन है माइनस 6, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, माइनस माइनस प्लस 4 6 24, इन दोनों को ऐड करेंगे 49 हो जाएगा। ए माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अगर हमने ए माइनस बी की वैल्यू फाइंड कर ली, स्क्वायर को राइट हैंड साइड पे ट्रांसफर कर दें 49,
इसको रूट से बाहर निकालेंगे ये हो जाएगा 7। कैलकुलेटर में रूट 49 की वैल्यू फाइंड कीजिए आ जाएगा 7। अब पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक जैसा है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्वेश्चन ये है, एंड ए बी दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और गिवन में आपके पास दिया हुआ ए प्लस बी इक्वल टू 8 और एंड ए माइनस बी इक्वल टू 6। सॉल्व करते हैं इसे। इसके लिए अलग फॉर्मूला है, इसके लिए फॉर्मूला ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। चेक कर लेते हैं इसे भी हम फॉर्मूले को कि जो है ना ये फॉर्मूला वैलिड है या नहीं है। ये फॉर्मूला लिखा है मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैंने लिखा है कि ये इक्वल होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ऊपर वाले को ओपन करते हैं, इसको ओपन करेंगे ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस, इसे ओपन करेंगे ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ब्रैकेट ऑन कर दीजिए, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये प्लस का 2ab है, ये माइनस का 2ab है, कैंसिल हो गया। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 टाइम हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 टाइम हो जाएगा। ऊपर वाली टर्म से 2 कॉमन आ रहा, बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, ये बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस, यही दिया हुआ आपके पास। इसका मतलब वैलिड, अगर फॉर्मूला भूल जाए तो हम ड्राइव करके भी निकाल सकते हैं। खैर ए प्लस बी की वैल्यू भी बने हमारे पास 8 और ए माइनस बी की वैल्यू भी बने 6 डिवाइडेड बाई 2। 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 डिवाइडेड बाई 2। 64 में 36 ऐड करेंगे, कैलकुलेटर आपको दे देगा 100 डिवाइडेड बाई 2। 100 को 2 से डिवाइड करेंगे 50, वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अगेन इसके बाद वाले पार्ट में भी यही क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था। क्वेश्चन नंबर 4, अगेन वो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपके पास गिवन है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। आपके पास गिवन है ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 और ए माइनस बी इज इक्वल टू 3। सॉल्व करते हैं इसे, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अगेन फॉर्मूला लिखेंगे हम। अच्छा मैंने यहाँ पे ए बी की वैल्यू फाइंड लिखी, सॉरी इस सवाल में हमें दो वैल्यू निकालनी थी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी। ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ए बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगेन फोर ए बी इक्वल है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ए प्लस बी की वैल्यू गिवन थी 8 और ए माइनस बी की वैल्यू गिवन थी 6 इस सवाल में। 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 64 में से 36 निकालेंगे 28, ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे 28 डिवाइडेड बाय 4, कैंसिल हो जाएगा 4 7 28। ये दोनों वैल्यूज आ गई हमारे पास ए बी की और ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की एंड ए बी की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहा हूँ मैं, अगेन क्वेश्चन नंबर 4 में ये दिया हुआ है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी। ए प्लस बी की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है 5 और ए बी की वैल्यू गिवन है 3। सॉल्व करते हैं इसे, ये फॉर्मूला लिखेंगे अगेन आप और यहां भी यही फॉर्मूला लिखेंगे। खैर मैं दोबारा कर रहा हूं इसे,
तो ए प्लस बी की वैल्यू आप गिवन है आपके पास 5 और ए माइनस बी की वैल्यू गिवन है 3। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 25 में 9 ऐड करेंगे 34 डिवाइडेड बाय 2, ये कैंसिल होगा 17 बच जाएगा, वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, दोबारा लिखेंगे तीनों राइट, 4ab इक्वल होता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर 4ab। a प्लस बी की वैल्यू गिवन है आपके पास 5 और a माइनस बी की वैल्यू गिवन है 3। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, ये बच जाएगा 16। ab की वैल्यू फाइंड करेंगे, 16 को डिवाइड कर देंगे 4 से, 4 4 16, ये ab की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 में अलग फॉर्मूला है हमारे पास, उसे हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। जुगम में हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी है, इसकी वैल्यू गिवन है हमारे पास जो है 9 एंड ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इसकी वैल्यू गिवन है आपके पास 13। सॉल्व करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अगर आप फॉर्मूला भूल गए, आपके पास टाइम है तो आप इसलिए ला सकते हैं, ये ले ले लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इस पर स्क्वायर है इसका मतलब इसे 2 टाइम लिखना है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई करके देखिए फॉर्मूला बन जाएगा, ए को ए से ए स्क्वायर, ए को बी से ए बी, ए को सी से ए सी, बी को ए से वही ए बी, B को B से B स्क्वायर, B को C से B C, C को A से A C, C को B से B C, C को C से C स्क्वायर। स्क्वायर वाले टर्म को अरेंज कर ले, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये रहा A स्क्वायर, ये रहा B स्क्वायर, ये रहा C स्क्वायर। अब ये भी आपके पास 2 टाइम है, ये भी ये रहा और ये भी ये रहा, 2 टाइम हो जाएगा। B C भी आपके पास 2 टाइम है, एक ये है और एक ये है, 2BC हो जाएगा। एसी भी आपके पास 2 टाइम है, एक ये है और एक ये है, 2 टाइम एसी हो जाएगा। आगे हमारे तो किसी भी फार्मूले को हम ड्राइव कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कंडीशन दी हुई है उसके मुताबिक आप ला सकते हैं। तो यहाँ ये दिया हुआ है जिसे हमने ड्राइव लाना है, तो हम डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे, ये दिया हुआ है हमारे पास, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। गिवन ये है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9, स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, लिखना है हमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू 9 होल स्क्वायर। ये तो फार्मूला है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला ओपन कर ले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, 9 का स्क्वायर करेंगे 81। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, यह एडिटिव रहेगा प्लस, इन तीनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेना, ये आ जाएगा ए बी, ये आ जाएगा बी सी, ये आ जाएगा ए सी इक्वल टू 81। ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू गिवन है 13, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये आ जाएगा 26, प्लस का है वहां लेंगे, माइनस का हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 81 माइनस 26, 81 में से 26 माइनस कर दें, 11 में से 6 निकालेंगे 5, 7 में से 2 निकालेंगे 5, ये वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, 6 भी सेम है, एडिटिव दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा, तो फार्मूला मैंने ट्राई किया था। क्वेश्चन नंबर 6 में अगेन कह रहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, गिवन है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन है आपके पास 1/3
और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू आपके पास गिवन है माइनस टू बाई नाइन। सॉल्व करते हैं इसे सेम लाइक दिस, उसी तरह ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी हुई है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर में वैल्यू फाइंड कर दीजिए। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर 1/3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर कीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी, और 1/3 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। अगेन हमें इसी की वैल्यू फाइंड करनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इन तीनों में से 2 कॉमन आ रहा, बच जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी 1/9। इसकी वैल्यू गिवन है आपके पास -2/9। ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा माइनस हो जाएगा 4/9। ये माइनस का है, वहां जाने के बाद प्लस का हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1/9 प्लस का। एलसीएम लेंगे दोनों सेम है, 1 टाइम उतर जाएगा, न्यूमरेटर को भी एडिटिंग उतार देंगे 1/4, इसमें ऐड करेंगे ये हो जाएगा 5/9, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू। क्लियर? अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए देगा तो ये दोनों देगा, यहाँ भी यही दोनों दिया हुआ था, और अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए देगा देन ये दोनों देगा, और अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए देगा तो ये दोनों टर्म देगा हमें। तो आगे क्वेश्चन में इसी तरह दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, 7 और 8 सेम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है आपके पास 29, और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू गिवन है 10। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसके राइट हैंड साइड पे कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पे इसके राइट हैंड साइड पे था, मैंने दोनों लेके लिख दिया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ तो राइट पर कुछ है नहीं, लिहाजा हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे। अगर ए प्लस बी, जब भी वो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए देगा हमें, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, वी नो डैट ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी, ये आ गया ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तीनों पर स्क्वायर है, ब्रैकेट के अंदर डाल दें, मैंने कोई चेंजिंग नहीं किया, सिर्फ ब्रैकेट यूज किया है ताकि सेपरेट हमें नजर आए, हम वैल्यू पुट कर सकें। इन तीनों में 2 कॉमन आ रहा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 29, इसकी वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है 10, 29, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 49। वैल्यू आ गई ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की, हमें सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड करनी है, स्क्वायर को ट्रांसफर कर दें उस तरफ, 7 आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 8 सेम लाइक दिस, इसी तरह अगेन वो यही कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, अगेन वो यही कह रहा, क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आपको गिवन दे रहा है वो 0.9, और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू दे रहा 0.8। अगेन हमें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड करनी है, ज्यादा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये रहा हमारे पास ए प्लस, हम लिखेंगे इसे वी नो डैट ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, वही इसे अरेंज कर लें स्क्वायर वाली टर्म ब्रैकेट के अंदर, और इन तीनों में से 2 कॉमन आ रहा है
बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। वैल्यू पुट कर दें, इसकी वैल्यू गिवन है आपके पास 0.9, इसकी वैल्यू गिवन है 0.8। अब ये सारा काम कैलकुलेटर का है, कैलकुलेटेड वर्क है। 0.9 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 8 16, 1 बैलेंस 2 0 0 1 आ जाएगा। इसमें इसको ऐड करेंगे 15, 1 में 1 ऐड करेंगे 2, ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए प्लस बी प्लस सी की, इसे रूट में ले लेंगे, इसकी जो रूट वैल्यू आएगी वो लिख देंगे, ये आंसर हो जाएगा। कैलकुलेटर से निकालेंगे, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है वरना मैं कैलकुलेट करके आपको देता। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में अब हमारे पास क्यूब के लिए फॉर्मूला आ गया। हमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्यूब के हमारे पास ये फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। और इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। आपकी मर्जी, आप इस फॉर्म में यूज कर लें, आपकी मर्जी इस फॉर्म में यूज कर लें। इस फॉर्म में यूज करने से फायदा ये होगा कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मैंने अरेंज कर दिया, इसे भी हम अरेंज करेंगे ना इसी फॉर्म में आ जाएगा। देखिए मैं अरेंज कर रहा हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को एक तरफ कर लेते हैं और 3a² b प्लस 3ab² को एक तरफ कर लेते हैं। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, 3 दोनों में है 3 कॉमन आ जाएगा, a दोनों में है a कॉमन आ जाएगा, b दोनों में है b कॉमन आ जाएगा। यहां से बच जाएगा a और यहां से बच जाएगा b। कॉमन मैंने इस क्रम में से 3a² b प्लस 3ab² इसमें से मैंने कॉमन लिया है 3ab, ये लिया है कॉमन। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, इसे भी डिवाइड करेंगे, इसे भी 3 से 3 कैंसिल, b से b कैंसिल, a से a के कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा। 3 से 3 कैंसिल, a से a कैंसिल, b से एक भी कैंसिल हो जाएगा, b बचेगा। यही लिखा हुआ है, एक फॉर्म बन गई हमारे पास, जो मैंने फॉर्म लिखा था आपके लिए यहाँ, सही है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस हमने क्यूब, हमारे पास क्यूब दिया हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला एक हम ये लिखेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और इसे हम इस फॉर्मूले में भी लिख सकते हैं, ये भी इसी का फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। अच्छा, हमें जो क्वेश्चन करना है उसके लिए ये फॉर्मूला ज्यादा सूटेबल है, क्योंकि जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो गिवन। इसको भी हम अरेंज कर लें तो इसी फॉर्म में आ जाएगा। देखिए अरेंज करके बता रहा हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब एक तरफ कर लें, बच गया 3a² b प्लस 3ab² ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 3a और b कॉमन आ रहा, बच जाएगा a प्लस बी। मैंने आपको बताया 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, इसमें तो मैं कॉमन ले रहा हूँ 3ab। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, इन दोनों में से मैंने कॉमन लिया है, लिहाजा दोनों को मैं डिवाइड कर दूंगा 3ab से। 3 से 3 कैंसिल, b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, a से a कैंसिल, b से एक b कैंसिल। यहाँ बच गया 1 टाइम a और यहाँ बच गया 1 टाइम b, यही आ गया, सही है ना, जो मैंने ऊपर फार्मूला लिखा था। तो इसे अरेंज करना पड़ेगा और ये अरेंज है, लिहाजा हम जब भी हमें कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो वो फार्मूला यूज करेंगे। दोनों सेम फार्मूले हैं, एक में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और एक में नहीं करनी पड़ेगी, क्लियर। देखिए अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। 10 क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब और गिवन आपके पास है ए प्लस बी इज इक्वल टू 4 एंड ए बी इज इक्वल टू 3। ये लेंगे, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये लेंगे क्यूब दिया हुआ है, क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। अगर स्क्वायर कैलकुलेट करना होता है स्क्वायर करते हम,
इसका फॉर्मूला ऊपर अभी मैंने लिखा था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, और इसका क्यूब करेंगे 64, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 64। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए बी की वैल्यू गिवन है 3 और ए प्लस बी की वैल्यू गिवन है 4 इक्वल टू 64, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसको वहां ले जाएंगे माइनस हो जाएगा -36, 14 में से 6 निकालेंगे 8 और 5 में से 3 निकालेंगे 2, ये आ गया आपके पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब, ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है और गिवन में हमारे पास है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 5 और a माइनस बी इज इक्वल टू 5, दोनों की वैल्यू 5 गिवन है, ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये लेंगे हम वही लिखेंगे हम टेकिंग क्यूब, क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू गिवन है इसलिए क्यूब लेंगे बोथ साइड्स। ये माइनस में है, वो प्लस में था हमारे पास, जो फॉर्मूला मैंने ड्राइव करके दिखाया, माइनस के लिए फॉर्मूला ये बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी और 5 का क्यूब करेंगे 125। इसकी वैल्यू गिवन है, इसे ब्रैकेट में लिख लें, ए बी की वैल्यू फाइंड कर ली है ए माइनस बी इक्वल टू 125, ए क्यूब माइनस बी की वैल्यू, बी क्यूब की वैल्यू गिवन है 5 माइनस 3, ए बी की वैल्यू फाइंड कर ली और इसकी वैल्यू भी गिवन है 5। इस 5 को मैं वहां ट्रांसफर कर दू, 3 5 15 ए बी 125 माइनस 5, प्लस का था माइनस हो गया, ये बच जाएगा 120। ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, 15 इसके साथ मल्टीपल फॉर्म में है, साइन भी वहां जाएगा 15, डिवाइड कर दें इसे 120 को 15 से डिवाइड कर दें, जो रिजल्ट आएगा वो लिखते हैं, 5 की टेबल से करके देखें, 5 3 15, 5 2 10, 2 बच गया, 5 4 8 आ जाएगा, 15 को 120 को 15 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 8, ये वैल्यू आ गई है बी की। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11 भी यही कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, और जो है ना हमारे पास गिवन है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू और ए माइनस बी की वैल्यू, सेम लाइक दिस, इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, अगेन वही दिया हुआ है 12, हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू गिवन है हमारे पास, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू गिवन है 16 और ए माइनस बी की वैल्यू गिवन है 4, यही लेंगे हम अगेन उसी तरह, क्यूब की वैल्यू दी हुई है लिहाजा टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। क्यूब का फॉर्मूला ऑपरेट करें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 64, 4 का क्यूब आ जाएगा, इसकी वैल्यू दी मैंने, इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं, जरा अरेंज कर लें, ये जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में मैंने ब्रैकेट में लिखा है, कुछ कॉमन वॉमन नहीं लिया है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू गिवन है 16 माइनस 3 ए बी की वैल्यू गिवन है, ए माइनस बी की वैल्यू गिवन है 4, ए बी अपनी जगह पे है, ए माइनस बी की वैल्यू गिवन है 4, ये 16 है दिस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 ए बी, इस 16 को वहां ले जाए माइनस कर दें, 14 में से 6 निकालेंगे 8, 5 में से 1 निकालेंगे 4, ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, मल्टीप्लाई हो रहा वहां जाके डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम आएगा ये ए बी की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 13 में भी वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब,
कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी की वैल्यू गिवन है आपके पास 5 और ए बी की वैल्यू गिवन है 7। ये लेंगे हम a माइनस बी इज इक्वल टू 5। अब तो ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा, जो पहले प्रीवियस हम करके आ चुके हैं वही काम करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। ए माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू 5 का क्यूब, फॉर्मूला ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, 5 का क्यूब करेंगे 125। प्लस का फॉर्मूला यूज करेंगे ये सारे पॉजिटिव आएंगे, माइनस का फॉर्मूला यूज करेंगे सारे नेगेटिव आएंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, ए बी की वैल्यू गिवन है आपके पास 7, ए माइनस बी की वैल्यू गिवन है आपके पास 5, 125। ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं 3, 5, इन सबको मल्टीप्लाई करें 3, 7, 21, 21 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 105। ये माइनस का है वहां ले हमें वैल्यू इसकी फाइंड करनी है, इसमें ये ऐड कर लें 10, 3 और 1 और 1, 2, ये वैल्यू आ गई ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 125x³ प्लस y³। हमारे पास गिवन है 5x प्लस y की वैल्यू, क्या गिवन है हमारे पास 13 और xy की वैल्यू गिवन है 10, क्यूब की वैल्यू निकालनी है ये लेंगे हम, देखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। जब भी वो क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए देगा तो इस फॉर्म में एक वैल्यू देगा, चाहे पॉजिटिव हो या पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव का फॉर्मूला लग जाएगा, नेगेटिव हो तो नेगेटिव का फॉर्मूला लग जाएगा। देखिए क्यूब की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा माइनस है, बीच में माइनस की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा माइनस दिया हुआ है, तो इसको क्यूब करना है हमने। फाइव एक्स का क्यूब करेंगे ये आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, 13 का क्यूब करेंगे, 13 का क्यूब करेंगे आ जाएगा 2197, ये आ जाएगा 125, 5 का क्यूब करेंगे आ जाएगा 125, y का क्यूब करेंगे y क्यूब, 3 5 15 xy और 5x प्लस y इज इक्वल टू 2197। वैल्यू पुट करें, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई की वैल्यू गिवन है 10 और x 5x प्लस y की वैल्यू गिवन है 13। मल्टीप्लाई करें 15 को 10 से 150 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1950, ये आ गया इक्वल टू 2197। ये प्लस का वहां ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, माइनस कर दे 7 में से 0 निकालेंगे 7, 9 में से 5 निकालेंगे 4, 11 में से 9 निकालेंगे 2, 1 बच गया, 1 में से 1 निकालेंगे 0 बच जाएगा, ये वैल्यू आ गई। खैर ये सारा कैलकुलेटेड वर्क है जो आप कैलकुलेटर की मदद से बड़ी आसानी से कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं आता तो कोई मसला नहीं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन नंबर 15 में दोबारा कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 216a³ माइनस 343bq और आपके पास वैल्यू गिवन है 6a माइनस 7b इज इक्वल टू
11 और ए बी इक्वल टू 8। सॉल्व करेंगे इसे, ये लेंगे 6a माइनस 7b। लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, वही काम करेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, माइनस है ना, माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। 11 का क्यूब करेंगे जो आएगा वो लिख देंगे। 11 का क्यूब क्या रहा, 11 का क्यूब करो 121 को 11 से मल्टीप्लाई करो, 1331। 11 का क्यूब करेंगे आ जाएगा 1331। इसका क्यूब करेंगे आ जाएगा 216। 7 का क्यूब करेंगे आ जाएगा 343। इनको मल्टीप्लाई करना है, 3 को 6 से 18, 18 को 7 से 126। ए बी और 6a माइनस 7b इक्वल टू 1331। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमने, 126। ए बी की वैल्यू आ गई आपके पास 8 और इसकी वैल्यू दी हुई है 11 इक्वल टू 1331। 343 बी के, अब ये सारे मल्टीप्लाई होंगे 126 को 8 से फिर 11 से, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास कैलकुलेटर से आ जाएगा 11088 इक्वल टू 1331। 216a³ - 343b³, ये माइनस का है वहां ले जाएंगे, इसमें ये ऐड कर लेंगे 11088 में हम ऐड करेंगे 1331, ये 9, ये 11, ये 4, ये 2, ये 1, 12419, ये वैल्यू आ गई 21, 216a³ - 343b³, ये आंसर हो गया। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 गिवन है, 17 में वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 16 एंड 17, उसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + 1/x³। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + 1/x³ और आपके पास गिवन है x + 1/x। क्या गिवन है आपके पास, इसकी वैल्यू गिवन है 7। सॉल्व करेंगे ये लेंगे, लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, क्यूब कीजिए इसका। यहां फर्स्ट टर्म की जगह ए की जगह एक्स है और सेकंड टर्म की जगह 1/x है, प्लस 3 ए की जगह एक्स है, ये 1/x है, ये हो जाएगा x + 1/x। 3ab × a + b, 7 का क्यूब करेंगे आ जाएगा 343। इसका क्यूब करेंगे x³, 1 का क्यूब 1 ही होता है x³, इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, 3 बच जाएगा x + 1/x, 343। x + 1/x की वैल्यू है हमारे पास, इसकी वैल्यू गिवन है आपके पास 7। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 21 प्लस का है वहां ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, माइनस कर दीजिए, 3 में से 1 निकालेंगे, 2 4 में से 2 निकालेंगे, 2 3 ये वैल्यू आ गई। इसके बाद एक पार्ट और रह जाता है जो माइनस का है, वो आप ट्राई कीजिए। 3.2 से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे मैंने कर लिए और एग्जाम में हमेशा इसी को टच करते हैं, उसके बाद वाले क्वेश्चन इसी तरह फजूल है, उसमें जो है ना फॉर्मूले आपको फॉर्मूले में पुट करके मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज। सही है ना, अगर कोई और सवाल आपके पास हो तो यकीनन आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर इसे सॉल्व कर दूंगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।